खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से शेख नदीम शराज की। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िला ओकाड़ा में चोर डाकू और कब्ज़ा माफिया की कोई जगह नहीं है। कोई त्यौहार हो तो पुलिस की ड्यूटी में इजाफा हो जाता है। एक तरफ पुलिस लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करती है और दूसरी जानब जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाती है। जराइम पेशा अफराद ईद के आते ही मुतहरक हो जाते हैं, शहर के गिरदनुमा और बाईपास के पास अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके पेश नज़र DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हदायत पर DSP सदर सर्कल जफर इकबाल डोगर, SHO थाना सदर इमरान अली टीपू ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके बदनाम जमाना दो डकैत गैंग दिलदार उर्फ दिलदारी गैंग, इमरान उर्फ इमरानी भट्टी गैंग के साथ अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। ये डाकू पुराने डकैती फायर मारने से भी इज्तनाब नहीं करते थे। आपको इनके कब्ज़ा से भारी मकदार में माल मसरूका असलाह और नकदी भी बरामद हुई है। DPO उमर सईद मलिक ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए नकद इनाम देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा UNP न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। और जितना आप करेंगे उनकी हौसला अफजाई होगी। हमें आपकी तरफ से थप्पी की ज़रूरत है, आप थप्पी देंगे कि फोर्स आपकी लेकिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, हम करेंगे भी लेकिन हौसला बुलंद होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ के अवाम है, जैसे यहाँ के, तो ये मैं जिससे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 18 वारदातों में अगर इससे ज़्यादा है तो क्या वो बाद में पब्लिक की जाएगी इसका? शुक्रिया सर, आ जाएगा जफर भाई, आ जाए।